वडोदरा पे मैं एयरपोर्ट पे उतरा और वहां पे 30-40 लोग थे। उन 30-40 लोगों ने मेरे सामने नारे लगाए, मोदी मोदी मोदी। अभी गुजरात के अंदर माहौल ऐसा बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत जबरदस्त तकलीफ होने वाली है। कहते थे कि इनकी 66 सीट ऐसी है अर्बन एरियाज में जहां बीजेपी कभी नहीं हारी, ऐसा क्या कहा जाता था। इस बार उन 66 सीट पे भी आप देखना काफी तकलीफ इनको होने वाली है। वो सारी सीट नहीं जीत रहे वो लोग, तो जाहिर तौर पे ये लोग मेरे खिलाफ नारे तो लगवाएंगे ही, घर थोड़ी बैठेंगे। 30-40 आदमी भेज के नारे लगवा के कहते हैं कि दूसरी चीज एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, जब भी राहुल गांधी जी गुजरात आए इन्होंने उनके सामने नारे नहीं लगाए। बीजेपी वाले भी कांग्रेस वाले भी केजरीवाल के खिलाफ दोनों मिलके नारे लगाते हैं, दोनों इकट्ठे हो गए, दोनों मुझे गाली देते हैं, दोनों मेरे पीछे पड़े हुए हैं। आपका दूसरा प्रश्न है, ये लोग कहते हैं कि गुजरात के लोगों को फ्री नहीं मिलना चाहिए। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको ये लग रहा है कि ये जो सारा लूट के पैसा स्विस बैंकों में ले जाते हैं, ये सारा लूट के पैसा अपने घर भरते हैं। अगर ईमानदार राजनीति हो गई, अगर जनता को फ्री सुविधाएं मिलने लग गई, तो इनके लूटने के लिए पैसा नहीं बचेगा। अभी तक इस देश में लूट की राजनीति चल रही थी, जितनी सरकारें थी जितने नेता थे ये मोस्टली जो हैं वो लूटते थे, सरकारों को लूटते थे ये लोग, और सारा पैसा स्विस बैंकों में ले जाते थे, सारा लूट ले। पहली बार इस देश के अंदर पहली बार आम आदमी पार्टी ने ईमानदार राजनीति की शुरुआत की है। हम ईमानदारी से काम करते हैं, पैसा बचाते हैं, भ्रष्टाचार रोकते हैं, रिश्वत नहीं लेते, उससे सरकार में खूब पैसा बचता है, उससे हम जनता को फ्री बिजली देते हैं, फ्री शिक्षा देते हैं, फ्री अस्पताल देते हैं, फ्री दवाइयां देते हैं। अब ये लोग इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि अगर इनको फ्री देना पड़ गया तो इनका लूटने का पैसा हो जाएगा। तो एक चीज गांठ बांध लो, जो आदमी कहे कि फ्री सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए, समझ लेना उस आदमी की नीयत में खोट है। केजरीवाल जी, जैसे एयरपोर्ट पे आपका स्वागत मोदी के नारे के साथ हुआ, क्या पिछले 6 महीने में मान साहब ने जो काम किए हैं पंजाब में 75 साल में किसी सरकार ने नहीं किए। पिछले 6 महीने में जितनी कट्टर ईमानदारी, आज 75 साल के बाद पंजाब को एक कट्टर ईमानदार और मेहनती सीएम मिला है। 6 महीने में उन्होंने 100 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, पंजाब के लोगों की बिजली मुफ्त कर दी, 17,000 नई नौकरियां निकाल दी, 8,000 कर्म टीचर पक्के कर दिए। इतने सारे काम भगवंत मान ने किए हैं कि इनके जो विरोधी हैं उनको उनके कामों में कुछ कमी दिखाई नहीं देती, तो अब कीचड़ फेंकते हैं कि मान साहब ने, सब झूठ है, सब बकवास है। मैं वो बेचारा आदमी लगा हुआ है पंजाब के विकास के लिए, उसको रोकना चाहते हैं ये सारे विरोधी मिलके। जनता देख रही है, जनता उनके काम से बहुत खुश है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं सारे विरोधियों से, अगर भगवंत मान 6 महीने में बिजली मुफ्त कर सकते थे तो इन दूसरी पार्टियों की सरकारों ने 75 साल में बिजली मुफ्त क्यों नहीं करी? ये सारा पैसा लेके कहां चले गए? पंजाब का पैसा किसने खाया? सर, अब ममता बनर्जी शोइंग अ सॉफ्ट स्पॉट टुवर्ड्स बीजेपी, डू यू हैव अ स्टेटमेंट ऑन दैट? आई एम हियर सर। वो उनको पूछिए, मैं कैसे उसका जवाब दे सकता हूँ। सर, व्हेन यू वर वेलकम्ड ऑन द एयरपोर्ट मोदी जी के नारे नारे से, डू यू थिंक दैट बीजेपी इज टेकिंग यू एज द न्यू मोदी? डू यू सी दैट इंसिडेंट इन दैट पर्सपेक्टिव? नहीं, आई विल नॉट से। मेरे को राजनीति नहीं आती, ये मेरी कमजोरी है। मेरे को जनता का काम करना आता है। मेरे से बिजली मुफ्त करवा लो, मेरे से स्कूल बनवा लो, मेरे से अस्पताल। मैं गुजरात में आके पिछले 6 महीने से, 1 साल से जब से मैं गुजरात आ रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ? मैं आपकी बिजली 24 घंटे कर दूंगा, मैं आपकी फसलों के अच्छे दाम दूंगा, मैं आपको महंगाई दूर कर दूंगा, मैं आपके बच्चों को रोजगार दूंगा, आपके लिए अच्छे स्कूल बनाऊंगा। ये पार्टियां गुजरात में कैसा स्टेट है, इसके अलावा हर स्टेट में
जो आज सिस्टम है, दारूबंदी का सिस्टम है, नशाबंदी का सिस्टम है, उसको लागू रखा जाएगा, लेकिन उसको लागू किया जाएगा। अभी जो इलीगल तरीके से, अभी सारा धंधा इन्हीं का है, सब जानते हैं, 10-15 हजार करोड़ रुपए का धंधा इन्हीं लोगों का है, इन्हीं के लोग करते हैं, सारा प्रॉफिट इन्हीं को जाता है। ये नहीं करेंगे हम, अपनी पार्टी दारू बेच के नहीं चलाते, ये लोग चलाते हैं। हम अपनी पार्टी ईमानदारी के पैसों से चलाते हैं। ये सही नहीं है। जैसे बड़ौदा में हमारा प्रोग्राम होना था, 13 जगह हमें बदलनी पड़ी पिछले 3 दिन में, 13 places। यहाँ पे हमने फिक्स किया, उसको फोन करके धमकाया इन लोगों ने, यहाँ फिक्स किया, उसको फोन करके धमकाया कि केजरीवाल का प्रोग्राम नहीं होने देना, आम आदमी पार्टी का प्रोग्राम। ये जनतंत्र के लिए सही नहीं है। हम लोग एक दूसरे के दुश्मन थोड़ी हैं, हम पक्ष और विपक्ष हैं। इस तरह से हमें एक दूसरे, ये गुंडागर्दी है, और इसी वजह से आज गुजरात की जनता इन लोगों की गुंडागर्दी से परेशान है। ये केवल मेरे साथ नहीं किया इन्होंने, मैं तो छोटा आदमी हूं तो भुगत लूंगा, गुजरात की जनता इनकी गुंडागर्दी से परेशान है, गुजरात की जनता के साथ ये रोज गुंडागर्दी करते हैं। थैंक यू।